please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के अलीगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था और वो 10 से ज्यादा मामलों में आरोपी था। बारह मुकदमों का अभी तक पता लगा है और बता रहे हैं ढेर सारे मुकदमे हैं इसमें और एक्सचेंज ऑफ फायर में इसको गोली लगी है। बाकी के दो साथी मोटरसाइकिल मिल गई है वहाँ पर जिस पर ये सवार था। बाकी के दो साथी भागे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल वहाँ इसकी कॉम्बिंग कर रहा है। पास में एक गांव है, गांव के बाद आगे वो मेन रोड पर निकल जाता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बाकी के इसके साथी भी गिरफ्तार हो जाएं। कर्नाटक के तुमकुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथ में पकड़ी बोतल से खुद पर केरोसिन छिड़कता नजर आया। राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तरफ से 218 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद तिपटुरु से कांग्रेस विधायक के समर्थक टिकट बंटवारे के विरोध में सड़क पर उतर आए, जिनमें शामिल एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने पार्टी के विधायक के एक षडाक्षरी का टिकट कटने से नाराज होकर आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि वक्त रहते दूसरे कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों ने उसके हाथ से केरोसिन की बोतल छीन ली, लेकिन इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान गर्मी के बावजूद कांग्रेस विधायक के समर्थकों ने जमीन पर लेटकर भी प्रदर्शन किया। अपनी पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 13 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से तुमकुर की तरह ही कर्नाटक के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिनमें मांड्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दफ्तर में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान पार्टी विरोधी नारे लगाते हुए वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में रखी कुर्सियां तोड़ी और चुनाव के लिए छपे पर्चे और बैनर भी फाड़ दिए। कुछ ऐसी ही तस्वीर बेंगलुरु में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर दिखी, जहां टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस की महिला नेता के समर्थकों ने हाथों में बैनर लेकर पार्टी के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के खिलाफ नाइंसाफी का भी आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध पर सफाई देते हुए मेरिट के आधार पर टिकट देने का दावा किया। We've given tickets based on these are people who are in touch with the people there, are working hard, and no, there's no nepotism involved in this. कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से पार्टी आला कमान ने 5 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। एक बार सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी फैसला कर लेती है तो सब लोगों को मिलकर के ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम वो स्टेट जीते। यही वजह है कि कर्नाटक की 224 सीटों में कांग्रेस की तरफ से 218 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम ही सामने आए। कठुआ गैंगरेप पीड़ित के परिवार ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, उन्हें कोर्ट पर भरोसा है और वो चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले। परिवार ने बताया कि वो डरे हुए हैं और उन्हें सुरक्षा चाहिए। ये बताइए कि जब को लेके आपको किसी तरह से भी कोई डर तनाव खतरे की आपको शंका है, आपको लगता है डर लगता है हमको बहुत डर है, वापस आता है डर लगता है, उधर नीचे जाता है, उधर आम एक महीना बैठता था, उधर से अभी इधर आ गया, ना साया इसे डर से ना साया खौफ आता है। कठुआ से क्यों चले आए आप? उधर से पीछे जाना हो ना हमको, उधर एक महीना बैठ कर फिर जाता था और हमको डर लग गया। आप ये बताइए, आप लेके सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं, उसकी जांच चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जो कानून चलता है, किस प्रकार से डर लगता है? आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो रियासत है वो अपनी इंक्वायरी बिठाए? बस कोई इंक्वायरी चलती है, वही चाहिए जी। ये बताइए कि जो सीबीआई इंक्वायरी की जो जांच की मांग से उठ रही है, क्या आप वो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं? नहीं चाहते सर, वो क्यों अपनी डर से मारे करते हैं जी। सीबीआई है वो भी है, लेकिन वो भी अपने अपने खौफ के मारे करते हैं। जैसे कि आज को लेके कोर्ट का ट्रायल भी शुरू हुआ जी, कोर्ट ने अपनी ट्रायल हियरिंग शुरू कर दी है, 28 तारीख की आपकी अगली तारीख भी इसमें दी गई है कोर्ट द्वारा जी जी, क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? बस हमारी ये इसी कोर्ट की मांग है, इसी अदालत की मांग है, जो अदालत कर रही है ये इसी अदालत की मांग है जी। उनको अच्छी तरीके से सजा होनी चाहिए और इसी कोर्ट का विश्वास है और वो हमको सिक्योरिटी चाहिए। आपको किसी तरह का डर खतरा, आप सिक्योरिटी की सिक्योरिटी चाहिए? जो हमको सिक्योरिटी चाहिए, और जो आप ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे वहाँ से उधर जाएंगे जहाँ जा रोड, हमको सिक्योरिटी चाहिए साहब, बहुत सिक्योरिटी चाहिए। क्यों जी, हम उनको जो कर रहे हैं हमारे साथ सियासत, उनका हमको बहुत
खौफ है जो सियासत करे। सियासत में मसला हमारा नहीं जाना चाहिए, बस हम सियासत में मसला नहीं उठाते। हमें अपनी इसी 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 कोर्ट का हमें विश्वास है और इसी का अदालत का विश्वास है। इसी में जम्मू कश्मीर के कठुआ में मासूम बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में आरोपियों को कुछ पुलिस वाले गाड़ी में बैठाते दिखाई दिए। इन आरोपियों को कठुआ जिला कोर्ट में हुई पहली सुनवाई में पेशी के लिए ले जाया गया और सुनवाई खत्म होने के बाद जेल भेज दिया गया। इससे पहले जब आरोपियों को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची तो वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से आरोपियों को कोर्ट ले जाने में पुलिस वालों को काफी दिक्कत हुई। 7 आरोपियों को इस कोर्ट में लाया गया है, साजी राम है और उसका बेटा और भांजा और 4 पुलिसकर्मी जो आरोपी हैं अभी जज के सामने पेश कर दिए गए हैं। कोर्ट से निकलने के बाद एक आरोपी साजी राम ने खुद को बेकसूर बताया और इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग की। नार्को टेस्ट में क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आरोपियों के वकील ने जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की जांच पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि पुलिस के पास उनके मुवक्किलों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। बचाव पक्ष के वकील की सुनवाई के दौरान दलील दी कि उनके मुवक्किलों को चार्जशीट तक मुहैया नहीं कराई गई, जिसके बाद आरोपियों के वकील ने दावा किया कि उनकी दलील पर कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों को चार्जशीट मुहैया कराने का निर्देश दिया। The accused also requested before the honorable court that a narco test should be done and they are ready for this narco test. इस दौरान कुछ वकीलों ने इस मामले में CBI जांच की भी मांग की और इसी मांग का समर्थन करते हुए एक आरोपी की बेटी ने कोर्ट के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। वो पुलिस पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने जोर जोर से बोलने लगी, जिसके बाद उनके समर्थन में भीड़ इकट्ठा हो गई और CBI जांच की मांग पर नारेबाजी तेज हो गई। इस दौरान आरोपी की बेटी ने यह भी दावा किया कि मासूम का रेप नहीं हुआ था। उस बच्ची का कोई रेप नहीं हुआ, मर्डर हुआ है, उस मर्डर की छानबीन CBI करे। वहीं पीड़ित परिवार ने इस मामले की सुनवाई कठुआ से बाहर कराने की मांग की।